बहुत सारे लोग गीत सुनना पसंद करते ने। लोग अक्सर अपनी भावनावां काबू करन जां प्रगट करन लई गीतां दी वरतों भी करते ने। इस दे नाल ही कुछ लोग अजिहे भी ने जो अक्सर अपने मूड नूं ताज़ा करन दे लई गीत सुनते ने। दुनिया भर विच वक्-वक् भाषावां दे विच कई तरह के गीत बनाए जाते ने। यह गीत वक्-वक् मौकियां लई संपूर्ण हन। विआह पार्टी, टुटे दिल जां प्यार प्यार, हर स्थिति लई कई तरह के गीत ने। पर की तुसी जानते हो कि दुनिया दे विच एक जिहा गीत भी है जो लोकां दी मौत दा कारण बनिया है। तां दस दईए कि इह गल बिल्कुल सच है। कई साल पहलां रिलीज़ होए एक अंग्रेजी गीत नूं सुन के कई लोग खुदकुशी कर चुके ने। कहा जांदा है कि इस गीत दे विच इन्ना दर्द सी कि लोग इस नूं सुन के खुदकुशी कर लैंदे सन। तां उह जाणदे आ इस गीत बारे अते इस दे पिछे दा दिलचस्प इतिहास। इस नूं आत्मघाती गीत क्यों कहा गया? इस साल 1933 की गल है जदों हंगरी दे एक गीतकार रजो सेरस ने गलूमी संडे नां दा गीत लिखिया सी। इस गीत दे बोल इन्ने उदास सन कि जिसने भी इस नूं सुनिया वह डिप्रैशन के कारण ही मर गया। कहा जाता है कि यह गीत सेरस ने उसके प्रेमी के छड्डन तों बाद लिखिया सी। इस गीत दे बोल अते संगीत सुन के लोग दर्द अते दुख नाल भर गए। यही कारण सी कि इस गीत नूं हंगेरियन सुसाइड गीत वजों भी जाणिया जाण लगा। गीत बनन तों बाद शुरू विच कई निर्मातावां ने इस नूं रिकॉर्ड करन तों इनकार कर दिता, क्योंकि उन्हां दा मनना सी कि गीत इन्ना निराशाजनक है कि शायद ही कोई इस नूं सुनना चाहेगा। हालांकि गीत नूं रिकॉर्ड किया गया सी अते 2 साल बाद 1935 दे विच इह गीत भी रिलीज़ किया गया। पर इस गीत के रिलीज़ होने तो कुछ समय बाद ही देश च खुदकुशी के मामले तेजी के नाल वधन लगे। खास गल ये कि उस दौरान इस गीत की मौजूदगी जां मौत नूं गले लगाउण वाले हर व्यक्ति के आले दुआले रिकॉर्ड की गई जां उन्हां दे सुसाइड नोट दे विच इस गीत का जिक्र सी। खबरां दी मन्निए तां उस दौर च गलूमी संडे गीत कारण करीब 17 लोगों ने अपनी जान दित्ती सी। बाद विच इह गिनती वध के 100 के करीब हो गई। मौतों के वाधे मामलों को देखते हुए इस गीत को दोबारा तैयार किया गया सी, पर फिर भी खुदकुशी के मामलों में कोई कमी नहीं आई, जिस कारण साल 1941 के इस गीत पर पाबंदी लगा दी गई सी। करीब 62 साल बैन रहने तो बाद साल 2003 के इस गीत तो बैन हटा लिया गया। हैरानी की गल यह है कि इस गीत को सुनने तो बाद गीत के संगीतकार रेजोसो सेरेस की प्रेमिका ने भी खुदकुशी कर ली। इन्ना ही नहीं, गीत के रिलीज़ होने तो 35 साल बाद सेरस ने खुद भी अपनी जान दे दी। कि यह इतफाक से जां सोची समझी योजना से कि उसने एतवार को ही मौत को गले क्यों लगा लिया? अपनी जीवन लीला समाप्त करने लिए शैलेश ने पहला अपार्टमेंट की खिड़की तो छाल मार के खुदकुशी की कोशिश की, पर इस दौरान उसका बचाव हो गया। हालांकि हस्पताल च इलाज दौरान उसने तार नाल गला घुट के अपनी जान दे दी सी। दरअसल इस गीत के बोल इन्ने उदास अते उदास सन कि इस नूं सुनन वाला हर कोई दर्द अते दुख नाल भर गया। गीत विच मौत नूं बेहतर अते जिंदगी नूं माड़ा दस्या गया है। सिर्फ मरण बारे लिखिया गया यह गीत भी बड़े दुख भरे ढंग नाल गाया गया। हालांकि काफ़ी विवादों च रहने तो बाद भी 100 के करीब गायकों ने इस गीत नूं वक्-वक् 28 भाषावां दे विच अपनी आवाज़ दित्ती है। इन्हां विचों 100 तो वध गीतां दे विच बिली हॉलीडे द्वारा अंग्रेजी विच गाए गए गीत दे इस संस्करण नूं वधेरे प्रसिद्धि मिली अते इस ते पाबंदी भी लगी। गाने दे भयानक इतिहास नूं ध्यान विच रखते हुए 21 अक्तूबर 1999 नूं हंगरी जर्मनी दे विच ग्लूमी संडे नाम दी इक फिल्म रिलीज़ की गई सी। इह फिल्म गीत दे भयानक इतिहास अते इस दे संगीतकार रजो सेरस अते उन्हां दी अधूरी प्रेम कहानी ते आधारित सी। हालांकि गाने नूं कदे भी अधिकारत तौर ते सेरस दी जीवनी वजों घोषित नहीं किया गया सी।